देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिटी बसों, ऑटो और विक्रम में सफर महंगा हो गया है। रोडवेज और निजी बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया। पहाड़ी सड़कों के बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है, तो 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। मैदानी इलाकों में 1.05 रुपया प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। तो अब ऑटो बसों में सफर करना लोगों के लिए महंगा। और लगातार हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम एक बार फिर शुरू करते हैं। पंकज, सिटी बसों, ऑटो और विक्रम में सफर हुआ महंगा, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है, राज्य परिवहन प्राधिकरण की जो ये बैठक है, जिसको एसटीए भी हम कहते हैं, वो लगभग 4 साल बाद होने जा रही है। लगभग हर बार ये बैठक टल जाती थी, लेकिन अब ये बैठक हुई है, तो उसमें जो राजधानी में सिटी बसें हैं, ऑटो हैं, विक्रम हैं, इनको किराया महंगा किया गया है। और इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बसें चल रही हैं, उसका भी, चाहे रोडवेज हों या फिर निजी ऑपरेटर्स हैं, उनकी बसों को किराए को लेकर भी पैसा बढ़ाया गया, उसमें 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर यात्री का तय किया गया है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वो यात्री किराया। बिल्कुल पंकज जी, बढ़ोतरी को लेकर आम जन का क्या रुख है, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं झटका उनको लगा है। एक तरफ सब्जी खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो चली हैं, दूसरी तरफ अब लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि महंगाई की मार एक और उन पर। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और ये आज लागू नहीं होगा, 1-2 दिनों बाद इसको लागू किया जाएगा, लेकिन जनता के लिए तो है ये झटका। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ पर निजी जो संसाधन है या फिर जो निजी परिवहन व्यवस्था है, उसका उपयोग भी काफी किया जाता है। हालांकि लोगों के पास अपनी गाड़ियां भी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहे टेम्पो हैं, ऑटो हैं, इन तमाम चीजों का जरूर उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी है, और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल परेशानी है। बिल्कुल, लेकिन अब ये परेशानी कितनी और बढ़ सकती है पंकज, देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।